जहाँ के बाद कोई 5 मिनट में आएगी तो कम पड़ेगा। ये भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। हाँ, मतलब रात को तो शादी हो गया था और लेकिन सुबह सूर्योदय हो गया था, इसलिए विदाई नहीं हो सका था। और अभी आज फिर अभी शाम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं हम उन्हें यहाँ लाने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को लाने के लिए। तो अभी तो हम लोग आधा रास्ता पहुँच गए हैं ना, और रात भर सोए नहीं हैं। अभी आँख छोटा छोटा हो गया। तुम्हारा भी छोटा हो गया? मेरा तो खुल ही नहीं रहा है। मेरा खुद नहीं खुल रहा है। हमको तो लग रहा है सो जाए, बस 2 घंटा ही सोए। हाँ, और उस दिन भी तो, कल भी तो सुबह उठ गए थे ना। हाँ। कोलकाता से फ्रेंड लोग आया था तो उसको लेने चले गए थे। हाँ, ना तो उठ गए थे। और फिर अभी हम लोग अब जा रहे हैं वहाँ, तो जाके दिखाते हैं वहाँ क्या होता है। ये फैमिली तो अभी हम लोग कटिहार पहुँच गए हैं और हम टीका लगा लिए। टीका था नहीं मेरे माता पे, खाली लग रहा था। यहाँ का लिपस्टिक लिए, स्कार्फ लगा ली। और अब हम लोग पहुँच गए हैं घर निकल के ससुराल, मतलब बस अब आगे दिखाते हैं। ए फैमिली, तो फाइनली वो घड़ी आ गई जो सबसे मुश्किल घड़ी होता है शादी का, मतलब लड़की लोग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मायके को छोड़ के और अपने ससुराल को जाना, इतने सालों से जिस घर में रह रही थी उसको छोड़ के जाना हमेशा के लिए। मतलब ऐसे बेसिकली तो ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए एक टाइप से हो जाता है क्योंकि घर चेंज हो जाता है। तो अभी सब कोई रो रहे हैं जितने भी रिलेटिव हैं, और नेहा के भी आँख में पानी आ रहा था। वो देख रही है लेकिन उसके आँख में पानी 100% होगा। तुमने ना रो रही है नेहा, ये भी देखती है किसी को तुरंत रोने लगती है, इसलिए बोल रहा है। ये फैमिली तो ऑलमोस्ट 7 बजे हम लोग कटिहार से पूर्णिया पहुंच गए थे। और घर के पास पहुंचते ही मतलब सब कोई, जितने भी फैमिली मेम्बर है, सब नई दुल्हन के स्वागत के लिए तैयार थे, जो कि आपको थोड़ी देर में हम लोग अभी दिखाने वाले हैं वीडियो में। तो ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा। हे फैमिली, तो फैमिली के स्वागत करने से पहले निखिल के जितने भी फ्रेंड लोग आए हुए थे वो अलग अंदाज में स्वागत कर रहे थे, जो कि आप देख ही रहे हैं। तुम लोग कब आएगा? झुक के लीजिए ना। फैमिली तो अभी नेहा परछ रही है, इसको तो बोलते हैं जब गुहारी लगते हैं तो अच्छा जाता है। दूल्हा दुल्हन को पान का पत्ता से और क्या क्या चीज़ है, जो कि आप ब्लॉग में देख रहे हैं। दिलदार में ना बबुआ क्या क्या मिला ससुराल में बड़ा दिलदार में ना महीना दुल्हन चलो पैदल ससुर आंगन उतर जाओ यही दुल्हन चलो पैदल ससुर आंगन संभालो फोटो छोरो आप महीना दुल्हन चलो पैदल ससुर आंगन उतर जाओ ये फैमिली। तो अभी सारा बीत हो गया, अब दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो घर में एंट्री के साथ ही बहन लोग ने रोक लिया है अपने भाई और भाभी को, क्योंकि उनको कुछ दक्षिणा चाहिए एंट्री करने से पहले। उसी का बहस अभी चल रहा है बेसिकली। फाइनली सेटलमेंट हो गया और प्रवेश मिल गया। और अब सबसे पहले सभी कोई पूजा करने के लिए पूजा रूम में जाएंगे और फिर वहाँ थोड़ा बहुत जो बीत है वो होगा। इतना सारा बीद है, हमको तो बीद का नाम भी नहीं पता है और नाम पता भी कैसे होगा। सारा लेडीज लोग का बीद है इसलिए हमको पता भी नहीं है। और अभी कुछ खाने पीने वाला भी बीद होता है, वो वाला है ये वीडियो। और बेसिकली ये भी एक बीद का ही हिस्सा है, इसमें शायद बच्चों को खिलाना होता होगा। दोनों खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या था इतना अभी तो कैसे पकड़े, अच्छे से खेले ही नहीं, नाटक कर दी बस। अब यहाँ पे मिल रहा है बड़ों का आशीर्वाद। ये फैमिली, तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और ये कुछ अंगूठी वाला जो रस्म है वही हो रहा है। अभी देखते हैं आगे कौन जीतता है। अरे हाथ हटाओ, ऐसे नहीं होता। दो कौड़ी है एक चैन है, दोनों हो गया। देख दे, देखो यहाँ पे मोर बेटा जीतल सिनारी दिया है। गिर जाओगी इधर मत आना। देखना अभी तो तुम जीता, दो बार ही जीतो। अभी हम लास्ट बोला सब गलत बात है। उधर तीन बार जीत गए, तीन बार जीत गए। जो ज्यादा जीतेगा वो भारी रहेगा। सब आ गया। चार बार हुआ, एक बार अब निकालो, निकालो ना दोनों हाथ। क्या क्या करूँ ना, पछुआ ले रख दो तुम्हें। हाँ देखो आपकी बात, ये जल्दी लिया पर है, लास्ट चाहिए उसको मिला। अब उसके हाथ में दे दिया तो निकालो। चलो 5 ग्राम की हो तो चैन होता है। कौन जीता, कौन जीता? हाँ। It don't matter where we go, it don't matter.